चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश। 16 अप्रैल को कोर्ट में करनी होगी रिपोर्ट पेश। तो हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं अतिक्रमण को लेकर, ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में हम देखते हैं अतिक्रमण इन दिनों एक बड़ी समस्या बनकर उभर के सामने आ रहा है, और अब बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई करने के। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने अस्मिता, क्योंकि जिस तरह से अतिक्रमण का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये सिस्टम के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। और शायद यही वजह है कि अतिक्रमण को लेकर तमाम लोगों ने हाई कोर्ट में एक नहीं बल्कि अनेकों जनहित याचिका दायर की, और जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद जब कोर्ट ने इसमें सुनवाई की तो कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार को भी ये हिदायत दी है, आदेश दिए हैं कि अतिक्रमण के लिए एक ऐप तैयार किया जाए, ताकि जो जनता की कनेक्टिविटी है वो इस ऐप के माध्यम से सिस्टम से हो सके। और सरकार के स्तर पर भी ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, सरकार ने भी पहले जो है वो अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर एक तरफ सरकारी तंत्र जो है, चाहे वो नगर निगम प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, संयुक्त रूप से जब अतिक्रमण हटाते हैं तो उसके कुछ समय बाद ही फिर से अतिक्रमणकारी जो है दोबारा से अतिक्रमण कर लेते हैं। तो सिस्टम के लिए ये बड़ी चुनौती भी है कि किस तरह से अतिक्रमण को हमेशा के लिए जो है वो हटाया जाए, ताकि दोबारा से जो अतिक्रमण करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद ना हो सके। तो अब देखना होगा, क्योंकि कोर्ट को रिपोर्ट भी देनी है, प्रगति रिपोर्ट, और जनता से भी कनेक्टिविटी करनी है। आखिर इन तमाम पहलुओं पर सरकार कितनी गंभीरता से आने वाले समय में कार्य करने वाली है। लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाई जा रही है सोनू? देखिए, जो लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे, जो सालों से रह रहे हैं, वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, फिर भी खौफ हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो लोगों को इस बात का डर हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो सरकार का मैकेनिज्म है इसको और मजबूत करने की जरूरत है, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक लोगों में इस बात का भय उत्पन्न नहीं होगा कि दोबारा अतिक्रमण नहीं करना है और सख्त कार्रवाई की जाएगी, तब तक लोग जो है अपने इस आदत में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में भले ही मामला कोर्ट में पहुंच गया, हर कोर्ट ने आदेश दे दिए हो और प्रगति रिपोर्ट भी अपडेट करने के लिए कहा हो, लेकिन जिन अधिकारियों के पास ये जिम्मेदारी है, जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो नगर निगम प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, इन सबको ही आपसी समन्वय के साथ एक ऐसी व्यवस्था और एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, ताकि लोग दोबारा से अतिक्रमण ना कर सके। बिल्कुल, बहुत जरूरी है एक तरह का खौफ भी होना, जिससे आने वाले समय में समय भी व्यर्थ ना हो और इस तरह से जो है अतिक्रमण भी ना हो, जिससे जो है सुचारू रूप से काम चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनू, और तमाम जानकारी के लिए।